गुड मॉर्निंग, हैव अ ऑसम डे। और बारिश का मौसम हो रहा है और आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं, बस कल थोड़ा बहुत ही ज़्यादा फीवर था तो इसलिए मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई। तो और आज है सावन का सेकंड सोमवार, तो आज सब मतलब हमारे घर में सबका फास्ट है क्योंकि सेकंड डे मतलब सेकंड सोमवार है इसलिए। और मेरी भी तबीयत ख़राब थी तो सबने मना किया, मम्मी ने पापा ने मत रहे, पर जब भी फास्ट तो रखना है क्योंकि पहला भी रखा था। और आज घर में हवन और पापा जी कराएंगे भंडारा, तो इसलिए हम सुबह 4 बजे उठे थे और 4:30 बजे मंदिर गए थे, 5 बजे आ गए थे। आज बहुत भीड़ थी तो अब जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा मतलब घर का सारा काम कर लेते हैं और जल्दी से हवन की तैयारी करते हैं। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं अभी पूजा में से उठ के आई हूँ और बाहर आरती चल रही है, दिखाती हूँ आप सबको। अब मतलब हवन हुआ था सुबह, हवन तो हो गया है, अब बज रहे हैं कितने, 11 बज रहे हैं। हाँ तो 11 बज चुके हैं और भंडारा चल रहा है। और अब जैसे कि ब्लॉग तो लेट आएगा तो मैं बोल नहीं सकती ब्लॉग में कि जिसको खाना है वो आ सकता है, प्रसाद है, क्योंकि अब ब्लॉग तो लेट गिरेगा कल, तो कल तक तो नहीं चलेगा। तो सॉरी गाइज, एक दिन पहले मुझे बोलना चाहिए था, जो यहाँ के आस पास के होते वो तो आ ही जाते खाने। तो कोई नहीं, जब मैं बढ़ती हूँ तो आप सब भी रहो ऐसी। सोमवार का फास्ट है हम सबका, पापा मम्मी का तो है ही, पापा का तो 1 महीने तक है और हम चारों का भी है और दीदी का भी है, तो इसलिए हम सबका तो फास्ट है, हम तो खा ही नहीं सकते। तो मैं भी भूखी हूँ, मन कर रहा है प्रसाद देख के तो खाने का। और दिखाती हूँ, रियली बहुत टेस्टी खीर बनी है। हाँ बाहर हो आप? अभी आए थे हमारे जेठ जी, मतलब भंडारा चल रहा है तो इसलिए पहले भोग के लिए दे के गए हैं किचन में थोड़ा सा प्रसाद। तो इसमें तो बहुत टेस्टी खीर है और एक में सब्जी है, दिखाती हूँ। तो ये तो बहुत टेस्टी सी खीर है और इसमें बहुत टेस्टी सब्जी और इसमें पूरी कचौड़ी होती है, तो ये बहुत टेस्टी है सही में। पीछे दिख रही है आपको बोरी, तो यहाँ दीदी देख रही हैं ब्लॉग और मैं जा रही हूँ अपने रूम में क्योंकि वो आप मतलब बोर कर रही हैं, मुझे पसंद नहीं है देखना ऐसे और इसमें मेरा मन नहीं लग रहा अकेले। तो दिस इज़ माय रूम और यहाँ बैठे हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल हमारे, और लाइट नहीं जल रही है तो अब अच्छा लग रहा है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है ये, तो इससे मुझे अच्छा लगता है रूम में। और जो ये बैठे हैं हमारे छोटे से फैमिली मेम्बर, हमारे घर की चिराग और हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल, ये रहे। और यहाँ इनके लिए ये रखा है, इनको भी हमने खीर पूरी खिला दी है क्योंकि सबसे पहले तो इनके लिए ही आता है जो आता है। और वैसे तो आज मतलब रूम में कोई आया नहीं है तो पूरा साफ पड़ा है, तो आज ऐसा कुछ मतलब मुझे 1-1 मिनट में बेड शीट जो है ना सही करनी पड़ती है, पर आज तो सही है बिल्कुल क्योंकि कोई रूम में नहीं आया, मैं भी नहीं आई सुबह से, बाहर थी। देखो रूम सही पड़ा है अभी तो, आज तो सोफ़ा के कवर भी कहीं से कहीं भी नहीं गए, सब कुछ ऐसे ही है क्योंकि एक बार साफ़ करने के बाद ना मतलब सही रहता है। और फिर पूरे दिन रूम में रहते हैं कोई ना कोई मतलब हम भी,
जब भी हो जाती है बेड सीट खराब, और ये मैम तो आज हमारा रूम बहुत अच्छा हुआ है, हुआ क्या है मतलब डेली ऐसा रहता है जब सफाई करती हूँ, बट जब हम लेटते बैठते हैं कोई भी होता है तो ये गंदा हो ही जाता है, तो ऐसे तो होता ही रहता है। और आज तो सोफ़ा की कवर बिल्कुल ऐसी ही जैसे रहते हैं। तो गाइस, तो हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उनका सोने का टाइम हो गया है, तो उनको हम सुला देते हैं। तो ये उनकी छोटी सी खाट है जिस पे वो सोएंगे। इसमें ये पिलो है उनकी छोटी छोटी सी, और अब हम उनको सुला देते हैं। ये हमारे लड्डू गोपाल, सो जाओ सो जाओ। ये उनका सिंहासन, लड्डू गोपाल सो गए इसलिए मैं भी सो जाती हूँ। तो गाइज, फ़ैन ऑफ कर दिया है, लड्डू गोपाल मैंने सुला दिए हैं, लाइट भी दूसरी वाली ऑफ कर दी है, क्योंकि जब कोई है ही नहीं घर में तो क्यों लाइट वेस्ट करूँ। और बस मैं भी सोच रही हूँ कि एक घंटा सो जाती हूँ, और कुछ खाया भी नहीं है, चाय पी थी बस सुबह, फास्ट है ना, थोड़ी सी पीती, मम्मी कह रही है दही पी ले, थोड़ी सी पी लेती हूँ, दही रखी है। देखो, जैसे कि आपने देखा था व्लॉग में, हम जब मॉल वॉल गए थे, तो जब हमारी सिस्टर इन लॉ आई थी हमसे मिलने, रहने के लिए आई थी एक दो दिन, फिर वो चली गई नानी जी की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, और फिर दीदी का मतलब मन भी नहीं लगता नानी के बिना, छोटी सी थी ना वो जब ही चली गई थी, तो इसलिए हमने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करा कि फिर बोलेंगी, नानी जी ने कसम खवा के भेजा था कि जल्दी भेजना, इसलिए हमने जल्दी जब उनका मन करा वो चली गई, डेट भी उनकी 2-3 दिन के लिए थी बस। तो हमारा भी एक दिन बिल्कुल मन नहीं लगा, फिर तो मन लगने लगा। और जो मतलब बाहर जब हवन हो रहा था, और जो मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली है इसमें, मतलब थोड़ा सा ब्लॉग किया था जब, तो उसमें मैं बताना नहीं, मतलब जब नहीं बता पाई थी, क्योंकि जब पंडित जी भी थे सब थे, तो जब मैं सबका इंट्रोड्यूस नहीं करा पाई थी, तो जैसे कि मतलब जो हवन में थे वो हमारी फैमिली थी, मतलब जो पापा जी की 2 भैया हैं ना, मतलब कि वो जो है छोटे पापा हैं हमारे, तो वो थे, वो तो थे नहीं, छोटी मम्मी थी, उनकी लड़की थी, और दोनों भैया थे येलो टी शर्ट में जो थे, वो बड़े वाले भैया हैं, मैं डालूँगी देखना, और डाल पीछे डाल चुकी हूँ, और जो ब्लैक में थे, शायद ब्लैक थे, भूल गई, मतलब जो हस्बैंड वाइफ साथ खड़े थे, वो छोटे वाले दीदी एंड भैया हैं, और मतलब जेठानी हैं वो, और जेठ हैं वो, बड़े हैं वो हमसे दोनों, तो और जो बड़े वाले भैया हैं उनकी वाइफ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो यहाँ नहीं है, वो अपने घर चली गई हैं, कल परसों गई थी, तो इसलिए वो भी हमारी फैमिली है, बिल्कुल खुद की फैमिली है वो, तो ये पूरी फैमिली है, एक साथ इसलिए नहीं रहते, पहले एक साथ रहते थे, जब शादी हुई है उससे भी पहले, तो वो रहते हैं अंदर, उनने अपना अच्छा सा अलग बनाया, और हम रहते हैं यहाँ, वो गाँव के अंदर रहते हैं, हम गाँव के बाहर हैं, तो आते रहते हैं, दिन में बहुत बार आते हैं, घर है तो आएंगे ही। तो इसलिए मैं सबको बता ये रही हूँ कि जो वो थे वो हमारी फैमिली थी, जो आप नेक्स्ट व्लॉग में ये ना पूछो कि जो हवन में थे वो कौन थे, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। ओके, और वैसे भी जो हमारी मम्मी हैं, 2 बहन हैं, तो छोटे पापा भी लगे और मौसी मौसा भी लगे, तो इसलिए छोटी मम्मी पापा सही हैं। हेट्यो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो दोपहर के बज रहे हैं
चार नहीं मतलब मुझे दिख ही नहीं रहा, 3 बज रहे हैं और ठंड कमरे में बहुत ज़्यादा लग रही है, इसलिए मैं तो कम्बल ओढ़ के सो रही हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। और मतलब दोपहर में मैं यही है कि जब सुबह उठती हूँ ना, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, मतलब जब तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, और जब सोती हूँ रात को भी और नून मतलब आफ्टरनून में भी, दोपहर में भी सोती हूँ तो ऐसी नाइट ये पहन लेती हूँ जो रात को पहनते हैं और रात को भी, क्योंकि मेरे पे सोया नहीं जाता सूट पहन कर, इतना हैवी हैवी पे तो बिल्कुल भी नहीं। और जो है कि अब मतलब गाड़ी आ गई है, उसका हॉर्न लगा है, तो बोल रहे हैं जीजू कि सामान वामान ले लो, उतारो उसमें से और सबको बचाओ, तो इसलिए अब उठ जाती हूँ और जल्दी से सामान उठा लेती हूँ और पापा जी के लिए चाय बना के रख आती हूँ, मतलब दी आती हूँ पापा जी को। तो उनने भंडारा कराया ना, तो भंडारे में से अभी मैंने एक क्लिप भी डाली है पीछे भंडारे की, छोटी सी क्लिप, तो वो आप सबने देख ली होगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। 2000 years later। हेलो गाइस, तो रात के बज रहे हैं मतलब 8:30, 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो रही है। तो आज मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, सुबह वैसे 4 बजे उठे थे, मंदिर गए थे और फिर घर का जल्दी जल्दी काम करा, और हवन हुआ था आज हमारे घर में, हवन हुआ है, फिर भंडारा कराया पापा जी ने, इन सब ने मतलब सारा सामान आया था भंडारे का वहाँ से, मतलब जो भंडारा हो गया था उसके बाद जो सामान बच के आया घर, तो उसकी सेटिंग करी थी, जिसके घर देना था वो दिया, और मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब ऐसा मन कर रहा है कि बस सो जाएं, और आज हमारा फास्ट था वैसे भी, और फास्ट तो था ही, तो अभी तो हमने फास्ट खोल लिया है, पूजा पाठ भी सब हो गया है, सब सो रहे हैं, तो बस हम भी जा रहे हैं सोने। और सोच रही हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ, और ये ब्लॉग वैसे बहुत छोटा है क्योंकि ब्लॉगिंग भी मतलब मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और वहाँ से जो सामान बच के आया उसकी सेटिंग करते 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 बहुत टाइम हो गया, और जो बचा था वो सब हमने पड़ोस की आंटी को और सबको दे दिया, किराएदारों को ऊपर सबको दे दिया। तो इसलिए बहुत मैं सोच रही थी ब्लॉग कर लेती हूँ, पर फिर मैंने कहा कि छोड़ो चलो बाद में कर लेते हैं। तो अब रात हो गई है, अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर ऑल, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो गाइज गुड नाइट, टेक केयर ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, गुड नाइट।